नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। दिवाली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाई जाती है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से शुरू हुई। इस पूजा में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज के विग्रह को बनाया जाता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो गाय के गोबर का ही इस पूजा में खास स्थान है। गाय का गोबर शुद्ध माना गया है। वहीं गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा भी की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लक्ष्मी जिस तरह सुख समृद्धि देती हैं, उसी तरह गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गाय के गोबर से तमाम तरह की विशुद्धियां दूर हो जाती हैं। वहीं ज्योतिषाचार्यों की माने तो अगर शहर में गोबर मिल पाना कठिन हो रहा है, लेकिन गौशाला आदि से इस पूजन के लिए गोबर जरूर लेकर आए। गोवर्धन पूजा के दिन बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिसके चलते गोबर की कमी हो सकती है। इसलिए गाय का गोबर थोड़ा सा ले लें, उसे भैंस के गोबर में मिलाकर गोवर्धन महाराज का विग्रह बनाएं। अच्छे भाव से पूजा करें, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। वहीं अगर आपको गोबर नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप गोवर्धन महाराज की तस्वीर या स्टिकर की भी पूजा कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।